साथियों, भले हमारी भाषाएं अलग है, भले हम अलग अलग स्टेटों में रहते हैं, भले अलग अलग राज्यों में रहते हैं, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं वो हम सभी की एक है। आज हमारे देश में लोग सिर्फ समस्याओं पे बात करते हैं, ये समस्या है, वो समस्या है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नई शिक्षा नीति आ गई, संविधान खत्म हो रहा है, लेकिन समाधान कौन कर रहा है? समाधान करने वाला अगर आप देखेंगे तो आज हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ बामसेप एक ऐसा संगठन है और भारत मुक्ति मोर्चा जो बामसेप का ही ऑफशूट विंग है, वो आज हमारे जो मूलभूत समस्या है उस पे लोगों को जागरण भी कर रहा है, लोगों को एकजुट भी कर रहा है और लोगों को बता भी रहा है कि तुम्हारी समस्या क्या है। और हम सिर्फ समस्या पे बात नहीं करते हैं बल्कि जो समस्या का समाधान है, जो संवैधानिक तरीके से है, जो समाधान होगा, हम उस समाधान पर भी बात करते हैं और अपने लोगों को जागरूक भी करते हैं। आप लोगों को, लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में पूरे देश को प्राइवेटाइजेशन में बदल दिया गया, पूरा देश बिक चुका है। आज आप और हम जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं कि आगे जाके हमारा बच्चा कहीं जाके सरकारी नौकरी करेगा, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में सरकारी संस्थान खत्म हो चुके हैं, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि बच्चे शिक्षा से बहुत दूर जा चुके हैं, महिलाओं पर आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं की जो समस्या है कल पिछले समय से ज्यादा अभी बद से बदतर हो चुकी है। आए दिन आज देखेंगे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दहेज हत्या के नाम पर या फिर बलात्कार हो रहे हैं, उनके ऊपर छेड़खानी हो रहे हैं, घरेलू हिंसाएं हो रही हैं, सामाजिक जो उत्पीड़न है वो सब हो रहा है। तो सिर्फ समस्याओं पे बात करने से क्या हमारा समाधान होगा? सिर्फ समस्याओं पर बात करने से समाधान नहीं होने वाला है साथियों, हमें समाधान भी करना होगा। और वो समाधान क्या है? हमें एकजुट होकर हमारे जो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बामन मेश्राम साहब, वो हम भारत के समस्त ST SC OBC और माइनॉरिटी को जोड़ रहे हैं और जोड़ने के साथ उनको बता रहे हैं कि हमें किस दिशा में काम करना है। पिछले महीने 6 अक्टूबर को हम RSS में प्रोटेस्ट मार्च करने वाले थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि संविधान तो अभी चल रहा है, संविधान खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में संविधान खत्म हो चुकी है। आए दिन हमारे प्रोग्राम को होने नहीं दिया जा रहा है। भारत देश में हमें हमारा जो संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 19 के अधिकार के तहत, हमें कहीं पर भी अपनी बात रखने का अधिकार है, अपने संगठन बनाने का अधिकार है, अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार है, लेकिन ये मनुवादी सरकार हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने नहीं दे रही है। आए दिन हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको विरोध कर रहे हैं, आए दिन हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब ये RSS की जो सरकार है ये सिर्फ एक ही चीज से डरती है, उसका नाम है एकजुटता। हम लोगों को इन्होंने जाति के आधार पर बांटा, भाषा के आधार पर बांटा और राज्यों में बांटा, 6,743 जातियों में बांटकर इन्होंने हमें अलग अलग किया है। और इस अलगीकरण को आज सिर्फ और सिर्फ हमारे नेतृत्व माननीय बामन मेश्राम साहब आज हमें एकजुट कर रहे हैं, बस हमें उनके दिशा निर्देश पे काम करना होगा और एकजुट होके जो समस्या है और जो 3.5% हमारे देश में जो यूरेशियन ब्राह्मण है उनको उखाड़ फेंकने का काम हमको ही करना होगा, क्योंकि समस्या हमारी है तो समाधान कोई और करने वाला नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी हम सुरक्षित हैं, घर में बैठे हैं, हमारी कुछ भी समस्याएं नहीं है। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा जो पेट है, आज हमको बाबा साहब के संविधान की वजह से हमको तो शिक्षा का अधिकार मिला, आज हमारे लोग नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन आगे हमारे बच्चों के लिए ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। पूरे देश को ये मनुवादी सरकार ने पूरे देश को बेच चुके हैं, इसलिए हमको एकजुट होके इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का काम करना होगा। और ये व्यवस्था जो है, अगर ये पुरुषों से नहीं होगा तो इसका प्रभार जो है यह हम महिलाओं को लेना होगा, क्योंकि ये भारत देश जो है ये मातृ प्रधान देश हुआ करती थी, किसी समय में इस देश में महिलाएं राज करती थी, लेकिन जब आर्य यूरेशियन ब्राह्मण हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारी महिलाओं को गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के साथ साथ उन्हें
धर्म ग्रंथों में लिख कर हमें गुलाम बनाया, और आए दिन हमारे महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वे उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार ही हो रहे हैं। तो ये इस चीज को हमारी महिलाओं को समझना होगा, और ये जो व्यवस्था है ये मनुवादी व्यवस्था को हमको उखाड़ फेंकना है। और हमारी जो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जो सपना था, किट्टू रानी चेन्नम्मा का जो सपना था कि इस देश में हम बहुजनों का राज होगा, इस जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के काम हम ही को करना होगा और इस देश में हम बहुजनों का राज स्थापित करना होगा। आज बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मिश्रम साहब एक ऐसी कड़ी बन चुके हैं जिनके कारण ब्राह्मणों की रातों की नींद की बात तो छोड़ दीजिए, दिन का जो चैन होता है वो भी उड़ चुका है। क्योंकि कल तक वो हमारे पीछे से वार करते थे, हम एसटीएससी ओबीसी और माइनॉरिटी के पीछे से वार करते थे, आज हमारे नेतृत्व माननीय बामन मिश्राम साहब के नतीजों के कारण, संघर्षों के कारण आज हमारा दुश्मन बाहर आ चुका है। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें संगठित रहने का एक हमारे समाज को संगठित होने के लिए उन्होंने कहा था, उस संगठित का जो एक सीधा साधा मतलब एक हमारे सामने सीधा हमने जो देखा 6 अक्टूबर को कि किस तरह से हम एसटीएससी ओबीसी एकजुट होकर संगठित होकर जो आरएसएस है जहां पर हम प्रोटेस्ट मार्च लेके जाने वाले थे, हमारी सभा को उन्होंने होने नहीं दिया। फिर उन्होंने हमारे माननीय अध्यक्ष जी को डिटेन किया, और जैसे ही उन्होंने उनको डिटेन किया उसके साथ ही हमारे समस्त मूल निवासियों ने भी जेल भरो आंदोलन में शामिल हो गए। क्योंकि नहीं सर मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो आज हमारे समस्त मूल निवासियों को एकजुट कर चुके हैं और उनके कारण आज आरएसएस डरा हुआ है, और आए दिन वो मीडिया में प्रचार दे रहा है। वो भी जो आरएसएस का प्रमुख है मोहन भागवत, वो मीडिया के सामने ये प्रचार प्रसार कर रहा है कि हमारे महापुरुषों से गलती हुई है, जो भूतकाल में हुआ था, जो पास्ट में जो हो चुका है उसको दुश्मनी की नजरों से ना देखा जाए। मतलब वो डर चुका है, और ये डर किसी और का नहीं है, हमारे नेतृत्व तो माननीय बामन मिश्राम साहब से है। इसलिए साथियों मैं आप सभी मूल निवासियों से अनुरोध करूंगी कि हमारा जो बामसेप संगठन है उसमें जुड़िए और हमारे साथ एकजुट होकर इस जो आरएसएस है जो 3.5% ब्राह्मण है इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि हम समस्त मूल निवासी एक है, हमारी समस्या एक है, हमारे परेशानियां एक है, हमारा यहाँ तक कि डीएनए भी एक है, और सबसे बड़ी बात हमारा दुश्मन भी एक है। इसलिए उस दुश्मन को उखाड़ फेंकने के काम जब तक हम एकजुट नहीं होंगे ये नहीं हो सकता है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से 6 अक्टूबर 2022 को किस तरह से आरएसएस घबरा चुका था, यहाँ तक कि उस दिन जो उनका आरएसएस हेडक्वार्टर है वहाँ पर वो लोग उपस्थित भी नहीं थे, वो इतने डरे हुए थे। और ये डर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मिश्राम साहब का है। इसलिए साथियों इस संगठन से जुड़ेंगे आप सभी जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उन लोगों से यही विनती करूँगी और अपील भी करूँगी कि हमारे संगठन से जुड़िए। और बामसेप का एक ही उद्देश्य है, भारत देश में बहुत सारे संगठन हैं जिनके अलग 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 मकसद हैं, लेकिन बामसेप संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका अपना कोई उद्देश्य नहीं है। जो उद्देश्य तथागत गौतम बुद्ध का था, जो उद्देश्य हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का था, जो उद्देश्य हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था, वही उद्देश्य हमारा भी है। और वो उद्देश्य है इस देश में हम लोगों का राज स्थापित करने का। हम जो 85% मूल निवासी बहुजन है, यानी कि एसटीएससी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो इस देश में अपना हक अपनी बराबरी हर लोकतंत्र के चारों पिलर में एक समान मात्रा में समान संख्या में अपनी जो जगह है वो उस जगह में हम उपस्थित रहे हैं। क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है जिसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं उसके चार खंभे हैं, और लोकतंत्र के चारों पिलर में आज देखेंगे तो हम मूल निवासियों के लोग हम मूल निवासियों का शासन है ही नहीं।
दर्शन ब्राह्मणों ने अपना हक अपना कब्जा किया हुआ है, जिसके कारण वो आए दिन हमारे ऊपर नए 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 बिल हमारे सर के ऊपर थोप रहे हैं। मैं एक सीधा साधा आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि 9 अगस्त 2018 को हमारे भारत का संविधान दिल्ली के जंतर मंतर में जलाया गया। गंदी गंदी हमारे बाबा साहब को गंदी गालियां भी दी गई, यहाँ तक कि वो वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड भी किया गया, लेकिन फिर भी हमारे संसद में जो ST SC OBC और माइनॉरिटी के जो हमारे संसद बैठे हुए हैं, 131 पार्लियामेंट और 1250 MLA बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर बैठ के जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने ना तो इसका विरोध किया और ना ही इसके बारे में उन्होंने अपनी मुँह खोली। इसका मतलब ये ही हुआ है कि जो ऊपर जो विधानसभा में जो हमारे लोग बैठे हैं, संसद में जो लोग बैठे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी मिलती है, उन्हें मुंह खोलने का अधिकार नहीं होता है। और जब वो सिर्फ संसद में बैठकर वो सिर्फ मुंह खोलने का काम करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे और जिनको नींद आती है तो सिर्फ अपने मुंह जो खोलते हैं ना, यही काम हमारे जो पुना पैक्स जो निकले हुए हमारे माननीय बामन मेश्राम साहब, इन्हें दलाल कहते हैं, वो ऊपर बैठ के सिर्फ और सिर्फ हमारा तमाशा देख रहे हैं और उन्हीं के कारण आज हमारा